स्टूडेंट युवा कंप्यूटर टीचर में आपका स्वागत है। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा, वीडियो लेक्चर, वो रहेगा अपना रिसीप्ट वाउचर के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा बेटा? रिसीप्ट वाउचर के ऊपर रहेगा, टैली का। इसके पहले मैंने आपको जितने भी वाउचर हैं सारे के सारे वाउचर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर किया हूं। जैसे कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आपको बताया था बेटा परचेस अकाउंट, परचेस वाउचर। क्या बताया था? परचेस वाउचर। इसके बाद मैं आपको बताया था सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाउचर मैं आपको कॉन्ट्रा वाउचर बताया था, कॉन्ट्रा वाउचर। ये तीन वाउचर मैं आपको एकदम क्लियर कर दिया था। यदि ये वाउचर आपसे नहीं बनते हैं तो इसके पहले की जो मेरी वीडियो है उस वीडियो लेक्चर में आप जानना, और ये सारे वाउचर का पहले आप थ्योरी भी देखना और प्रैक्टिकल भी देखना, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो मैं अगला वाउचर सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है रिसीप्ट वाउचर। क्या नाम है? रिसीप्ट वाउचर। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आप वाउचर में एंट्री करने से पहले आपको अंडर ग्रुप और लेजर का बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि ग्रुप क्या कहलाती है, लेजर क्या कहलाती है। ये सारी चीजें आपसे बनना चाहिए। यदि ये सारी चीजें आपसे नहीं बनेगी तो आप दिक्कत में फंसोगे, ये फिक्स है, ठीक है ना। क्या है, मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ और ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम बचता है ऑफलाइन क्लास से, तो उसी टाइम में मैं ऑनलाइन की वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक। तो आज अपन पढ़ेंगे रिसीप्ट वाउचर को कैसे क्या फुल कॉन्सेप्ट करेंगे। तो जो अपना आता है रिसीप्ट वाउचर कहते किसे हैं, सबसे पहले ये बोलो रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? प्राप्त, प्राप्त हुआ। अब क्या प्राप्त हुआ? तो इसका सीधा फंडा आएगा कैश प्राप्त होगा। आप कोई भी बिजनेस करते हो, ठीक है ना, तो जो कोई भी अपन को पैसा देता है वो सब कहलाता है अपन के पास रिसीप्ट हुआ। क्या हुआ? रिसीप्ट हुआ। तो जितना भी पैसा व्यापार में आता है वो रिसीप्ट कहलाता है, ठीक है। अब यदि मैं इसकी एक आध एंट्री लिख के समझाऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, देखना कैसे। मैंने बोला श्याम किराना से, श्याम किराना से 5,000 रुपए नगद प्राप्त हुए। नगद को क्या बोलेंगे बेटा? कैश। क्या बोलेंगे? कैश प्राप्त हुए, ठीक है। क्या हुआ? श्याम किराना से 5,000 रुपए नगद, नगद प्राप्त हुए, रुपए नगद प्राप्त हुए, ओके। अब देखना थोड़ा सा इसमें, श्याम किराना से 5,000 रुपए नगद प्राप्त हुए। पहली चीज तो इसमें लेजर कौन सी बनेगी, पहली चीज ये देखना। मैं बात करता हूं लेजर की, तो लेजर का नाम, पहला लेजर कौन हो जाएगा? पहला कहां से प्राप्त हुआ? श्याम किराना से हुआ। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? श्याम किराना, ये मेरी लेजर का नाम रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा? श्याम किराना। बात करें इसके अंडर में, तो इसके अंडर में क्या आएगा बताइए, थोड़ा सा सन्ड्री डेबिटर आएगा। क्या आएगा बेटा? सन्ड्री डेबिटर आएगा। अब बोलोगे सर क्यों आएगा सन्ड्री, सन्ड्री डेबिटर, अब बोलोगे क्यों आएगा? इसीलिए आएगा, ये बताओ, जब इन्होंने पैसा हमको नगद प्राप्त हुए तो कुछ ना कुछ तो उधार खरीद के ले गया होगा। जब ये कुछ ना कुछ उधार खरीद के अपने पास से ले जाता है तो जो लोग या जो व्यक्ति कुछ भी प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो उधार खरीद के ले जाएगा तो उसके अंडर में सन्ड्री डेबिटर लिखेंगे। अब वही व्यक्ति अपने को क्या रहा, पैसा दे रहा है, तो एक लेजर बनेगी बेटा श्याम किराना की, और इसमें दूसरी लेजर का उपयोग होता है तो वो होगा कैश का। देखो नगद प्राप्त हुए, यदि यहाँ पर नगद की जगह पर हो जाता कि बैंक SBI बैंक में प्राप्त हुए, मैं आपको दो ऑप्शन बता दिया, ठीक है ना। नगद प्राप्त हो गए, नगद मतलब हैंड टू हैंड प्राप्त हो गए, ठीक है ना, और बैंक में गए मतलब यहां पर यदि बैंक में गए तो एक लेजर बनेगी अपनी SBI बैंक की, SBI अकाउंट की लेजर बनेगी,
और इसके अंडर में क्या रहेगा बेटा, बैंक अकाउंट रहेगा। ये आपकी दूसरी लेजर बनेगी, ये चीज का ध्यान रखना। यदि मैं बोलता हूं कि SBI में प्राप्त हुए, और यदि बोलता हूं कि इसके बदले आपको कैश प्राप्त हुए, तो एक और लेजर बनेगी कैश अकाउंट की। लेकिन जो ये कैश अकाउंट की लेजर होती है वो ऑलरेडी बनी होती है, तो इसके अंडर में क्या रहता है, कैश इन हैंड रहता है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इतना अपना एक एंट्री रहेगी, तो अपना ये लेजर बनेगा, लेजर में अंडर ग्रुप रहेगा। लेकिन बोलोगे सर ये तो समझ में थोड़ा सा दिक्कत वाली सिस्टम है, तो देखो दिक्कत वाली सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत वाला, क्योंकि आप यदि मेरे से बहुत अच्छे से अंडर ग्रुप पढ़े होगे या कि फिर लेजर पढ़े होगे, लेजर और अंडर ग्रुप आपको दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना सीख गए होगे, तो आपको ये सब चीजें बनाने में किसी प्रकार की भी टेंशन नहीं जाएगी। थोड़ा सा मैं इंक फिल कर रहा हूं, आपको ये बहुत आसान लगेगा। लेकिन कब लगेगा बेटा, जब आप मेरी पहली वीडियो लेक्चर देख लोगे, ठीक है ना। आपको टैली में बहुत इजी तरीके से सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इसके बाद जब अपन ने इतना काम कर लिए, लेजर बना लिया, इसके बाद अपन कहां चलेंगे, रिसीप्ट बाउचर में। तो रिसीप्ट बाउचर में जाएंगे जैसे, तो अपन को एक रिसीप्ट बाउचर की विंडो ओपन होगी। मैंने बोला ये क्या खुल गया, रिसीप्ट बाउचर की विंडो खुल गई, ठीक है। इसमें अपन को रहेगा यहां पर डेट, और यहां पर रहेगा अपना अकाउंट, अकाउंट लिखा ही होगा, ठीक है। अब देखना अकाउंट में क्या आएगा, अब बताइए अकाउंट में क्या आएगा। इसके पहले भी मैं आपको बहुत अच्छे एकदम क्लियर कर दिया हूं कि अकाउंट में वो लेजर को लिखा जाता है जहां पर पैसा इन हो रहा है। अब ये बताओ इनमें से कौन से लेजर में पैसा इन हो रहा है। यदि बोलोगे कि SBI बैंक में पैसा इन हो रहा है, तो आप इस लेजर को यहां पर लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यहाँ अकाउंट में। और यदि बोलोगे कि आपके पास कैश पैसा प्राप्त हो रहा है, तो आप इसका यूज करोगे। मेरी एंट्री में क्या लिखा है, श्याम किराना से 5,000 रुपए नगद प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो नगद प्राप्त हुए मतलब मेरे पास आए, तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा बेटा, यहाँ पर लिख जाएगा कैश, ठीक है। और कहाँ से प्राप्त हुए, तो नीचे जाएगा क्या, श्याम किराना, क्या जाएगा बेटा, श्याम किराना। और यहां पर कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। और यहां पर नीचे लिखने के लिए आता है नरेशन, आएगा नरेशन। अब आपको नरेशन कैसे देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये होती है एक रिसीप्ट बाउचर की कंप्लीट एंट्री, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करना क्या है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं टैली में दो भाग में वीडियो बना रहा, एक तो बना रहा थ्योरी का, एक बना रहा प्रैक्टिकल का। तो जो भी बाउचर देखना हो तो आप पहले थ्योरी देखा करना, इसके बाद प्रैक्टिकल देखा करना। थ्योरी देखने के बाद प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो आप इसका फ्रॉक स्क्रीनशॉट करिए। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आपने पूरा स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद मैं सेकेंड एंट्री लिखता हूं, तो आप सेकेंड एंट्री बताइए, आप अपने दिमाग से लिखिए कि कैसे प्राप्त होंगे। यदि मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, बहुत अच्छे ध्यान से समझना, SBI बैंक, मेरा एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है SBI बैंक, SBI बैंक में 4,000 रुपए कमीशन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बेटा, कमीशन प्राप्त हुआ। अब देखो जब मैं बताया प्राप्त हुआ, तो आपको फिक्स हो जाना चाहिए कि प्राप्त हुआ मतलब ये कौन सी बाउचर की एंट्री है, रिसीप्ट बाउचर की एंट्री है। SBI बैंक में 4,000 रुपए कमीशन प्राप्त हुआ। आप यही बताइए कितनी लेजर बनेगी। तो पहली लेजर कौन सी बनेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो पहली लेजर का नाम आएगा अपना SBI बैंक, या उसको लिख सकते हो SBI अकाउंट। इसके अंडर में क्या आएगा बेटा,
इसके अंदर में आएगा बैंक अकाउंट, क्या आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। ये पहली लेजर बनेगी। दूसरी लेजर क्या आएगी, आप खुद दिमाग लगाइए कि कमीशन प्राप्त हुआ है ना, तो क्या आएगा प्राप्त हुआ है मतलब इनकम हुआ है अपना, ठीक है ना। यदि यही मैं बोल देता कि एक्सपेंस मतलब वो खर्च किया जाते है ना, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरे को कमीशन प्राप्त हुआ है, तो एक लेजर बनेगी बेटा कमीशन की, किसकी बनेगी कमीशन अकाउंट की। और इसके अंडर में क्या आएगा बेटा, बहुत अच्छा समझना, कमीशन अकाउंट के अंडर में क्या आएगा इनडायरेक्ट इनकम आएगा, क्या आएगा इनडायरेक्ट इनकम। अब बोलोगे सर क्यों आएगा, तो क्यों का आंसर आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से 25 मिनट तक दिया हूं, कितने मिनट तक दिया हूं 25 मिनट तक। इनडायरेक्ट इनकम आएगा, क्यों आएगा इनडायरेक्ट, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूं, इसलिए आएगा कि हमने बिजनेस करते हैं तो जो बिजनेस में पैसा अपने पास प्राप्त होता है वो डायरेक्ट इनकम कहलाता है। लेकिन ये डायरेक्ट बिजनेस से नहीं हुआ बेटा, ये कमीशन से प्राप्त हुआ है, आया तो पैसा अपने पास है लेकिन कमीशन से आया है, इसलिए ये क्या है इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं फिर डायरेक्ट वाउचर में, जेआई वाउचर में। यहां पर मैंने अकाउंट लिखा, अब आपको बताना होगा, मैं बता दिया कि अकाउंट में क्या आएगा, बताओ एसबीआई बैंक में 4000 कमीशन प्राप्त हुआ, अकाउंट में क्या चीज आती है जहां पर पैसा आ रहा है। अब ये बताइए कहां पर पैसा आ रहा है, एसबीआई बैंक में आ रहा है, तो बेटा कुछ भी नहीं करना, यहां पर लिखना है एसबीआई, ठीक है। किसके थ्रू आया है कमीशन, तो यहां क्या आएगा बेटा कमीशन आएगा, ठीक है। ये कमीशन आया, कितना आया है बेटा 4000 रुपए आया है, ये देखो 4000 रुपए, यहाँ नरेशन लिख देना, एक्सेप्ट करा के इंटर कर देना, तो आपका रिसीट बाउचर की दो एंट्री मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। ये होता है अपना रिसीव्ड बाउचर की एंट्री करना, ओके। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आपने इसकी स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं एक एंट्री और बताता हूँ, ठीक है, एक एंट्री मतलब इसकी तीन एंट्री बताऊंगा, तीन एंट्री में आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, फास्ट रफ कर दूं, आपका टाइम भी और मेरा टाइम बचे। तीसरी एंट्री की बात करता हूँ मैं, तो मैं बोलता हूँ कि पीएनबी बैंक में, कहाँ पर बेटा पीएनबी बैंक में 4000 रुपए प्राप्त हुए, कितने हुए 4000 रुपए प्राप्त हुए। अब देखो अपन को 4000 रुपए प्राप्त हो गए, अब देखना कैसे पीएनबी, अब आपको खुद ब खुद लेजर बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी लेजर बनेगी। पहली तो बनेगी पीएनबी की, ठीक है, पहली लेजर का नाम आएगा क्या बेटा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ओके, या पीएनबी अकाउंट लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर में जाना तो यहाँ पर क्या आएगा बैंक अकाउंट आएगा। अब बोलोगे सर ये बैंक अकाउंट कहाँ से जाते हैं अंदर में, समझ ही में नहीं आता, तो समझ में नहीं आता, तो मैंने क्या बताया कि प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में बहुत सारे मैंने लेक्चर अपलोड करके रखा है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की, तो आप यदि टैली पढ़ो, कहीं भी टैली पढ़ो, आपको एकदम जीरो से पढ़ोगे तब आप टैली के हीरो बन पाओगे, जिसका ध्यान रखना, ओके। दूसरा लेजर इसमें क्या पैसा प्राप्त हुए, पीएनबी में 4000 रुपए पैसा क्या हुए प्राप्त हुए, मतलब कैश अपने पास आए, ओके 4000 रुपए, तो एक केस जाएगा और इसके अंडर में क्या जाएगा बेटा पीएनबी से प्राप्त हुए, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके इसे मान लिख दो, अंडर में एक कैश आ जाएगा, अंडर में कैश इन हैंड आ जाएगा, ओके कैश इन हैंड। अब मैं यदि बोलता हूं कि इस वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे, तो अकाउंट में क्या आएगा बेटा आप ही बताइए, जहां पर पैसा आया है, कहां पर पैसा आया है बेटा पीएनबी में आया है, ओके पीएनबी अकाउंट में आया है, और इसके नीचे कहां पर लिखोगे पैसा आया तो है कैश, कितना आया है बेटा 4000 रुपये आया है। तो ये होती हैं क्या एंट्रियां, ठीक है ना।
तो अपन को रिसीव्ड वाउचर में इतना ही पढ़ना है, कल मैं आपको पेमेंट वाउचर पढ़ाऊंगा। पेमेंट वाउचर में भी आपको हर वाउचर की तीन तीन एंट्रियां लिखूंगी, कितनी, हर वाउचर की तीन तीन एंट्री लिखूंगा और आपको क्लियर समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।